लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो है यूट्यूब से इनकम आई है कि नहीं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फिजामान में रखे, आपको शादो आबाद रखे और आपको दिन ब दिन तरक्की अता फरमाएँ, आप तरक्की करते रहें। यूट्यूब का चैनल जो है वो आपका ऐसे ग्रो करता रहे, तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ व्लॉग्स में जो है मैं आपको ट्रिप से दूँगा कि यूट्यूब चैनल को कैसे चलाना है, क्या सिस्टम है। जो पिछला व्लॉग था वो भी यूट्यूब ग्रो टिप्स पे था कि आपको पहले करना क्या है। पहले तो ये चीज़ है कि आपको कोई चीज़ आता हो और उसके बाद जो है वो आप उस पर काम करें। एक तो ऐसी टॉपिक पे आप काम करें कि जो हैं आपकी जिस पे दिल हो और आप चाहे कि मैं ये टॉपिक पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अननॉलेज टॉपिक पे काम करोगे तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और आपको जो है कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस टॉपिक पे आपको काम करना आता हो, जिस टॉपिक पे आप बोलो कि ये मैं काम कर सकता हूँ, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज का व्लॉग में कुछ इसी तरह से बातें करेंगे हम और आपको जो है कुछ इसी तरह के टिप्स वगैरह देंगे। पिछला जो व्लॉग था उसमें मैंने ये आपको बताया के जो है कि आप किस चैनल पे काम करें और कैसे काम करें, क्योंकि आप एक व्लागर होंगे तो वो आपके लिए एक और भी चीज़ अच्छी है। क्योंकि जो व्लाग्स वाले चैनल हैं वो मोनिटाइज जल्दी में हो जाते हैं। इसकी सबब ये है कि व्लाग में आपकी फेस हैं, आपकी वॉइस हैं और सब चीज़ आपकी ओरिजिनल ही है, तो YouTube उन वीडियोस को जल्दी में मोनिटाइज उन चैनल्स को करता है जो 99% अपनी हो, रियल वॉइस, फेस नहीं हो तो वॉइस ज़रूर हो। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो आपको उस पर अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत ही ग्रो करोगे और बहुत ही जल्द कामयाब हो जाओगे। तो जो मैंने यही आपको सलाह है, मेरा मशवरा है कि आप अपनी रियल जो है उस पर काम करें, आपकी फेस हो, आपकी वॉइस हो और जो भी चीज़ हो आपकी खुद की अपनी हो। क्योंकि जो अपनी चीज़ होती हैं वो YouTube जल्दी में उस चैनल को मोनेटाइजेशन में अंडर रिव्यू से बचाता है और जल्दी से उस चैनल को चेक करके उसको मोनेटाइज कर देता है। अभी एक बात यहीं पे आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा चैनल है
अपनी वॉइस से हटके, वॉइस तो हर कोई डालता है, लेकिन बोलते हैं कि व्लॉग वाले चैनल से हटके, क्योंकि व्लॉग वाला चैनल जो है वो जल्दी में मोनिटाइज हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो व्लॉग वाले चैनल से हटके जो हम चैनल मोनिटाइज के लिए अप्लाई करते हैं, वो चैनल जो है क्यों देर और किस वजह से जो है लेट होती है मोनिटाइजेशन में। तो जो समझे कि 99% अपनी वॉइस, अपनी फेस और सब कुछ अपनी रियल हो, तो वो उन चैनल को यूट्यूब जल्दी में चेक करता है। अब ऐसा एग्जांपल समझे कि अगर आप जाते हैं किसी ऑफिस में जॉब्स के लिए, तो वो आपसे जो है जो कागज़ लेते हैं आपके, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो जो कुछ ज़्यादा पढ़े होते हैं, जैसे बीए हुआ, बड़े बड़े डिग्री हुए, तो ऑफिस वाले पहले उनकी चेकिंग करते हैं कि देखें ये कहाँ तक पढ़े और इनकी जो है ग्रेड क्या है और इसकी जो है ऐसा समझे कि इसकी नॉलेज कितनी है। तो यूट्यूब भी कुछ इस तरह ऐसा ही करता है कि जो 99% अपनी होती है वॉइस वीडियोज़ वगैरह, तो YouTube उन चैनल्स को जल्दी में चेक करता है और उनको जल्दी में मोनेटाइजेशन उनका अनेबल कर देता है। तो यही कुछ बातें हैं कि आप जो है अपना चैनल स्टार्ट करें, तो उससे पहले आप ऐसा करें कि उन पे काम करना सीखें। अपनी वॉइस, अपना फेस, सब कुछ अपना होगा ओरिजिनल, तो आपका चैनल जो है जल्दी में ऐसा समझे कि आपका चैनल जल्दी में मोनेटाइजेशन हो जाता है। सूरज भी जो है डलता जा रहा है, सूरज डल चुका है, आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो है सेंटर है जहाँ से सूरज जो है वो डल चुका। तो आज बहुत ही लेट होगा व्लॉग स्टार्ट करने में, इसके लिए जो है क्योंकि कहीं पे गया था, दावत थी, तो उस वजह से बहुत ही लेट हो चुका था। तो आज जो है अभी खेतों में आया, तो सोचा कि आपके लिए कुछ व्लॉग्स बनाए जाएं। अभी बस कुछ ही टाइम है, तकरीबन टाइम जो है अभी 5:35 हुआ, तो बाकी तकरीबन चंद ही 5-10 मिनट होंगे, उसके बाद जो है मगरिब की अज़ान शुरू हो जाएगी। तो बस कुछ यही बातें थी कि आपको अगर चैनल पे ग्रो करना है तो क्या करना चाहिए। थंबनेल, डिस्क्रिप्शन वगैरह तो अलग बात है, वो तो बाद में आते हैं, लेकिन सर्चिंग का भी, क्योंकि लोग देखने वाले हर वीडियोस को देखेंगे, अगर आपकी टाइटल सही नहीं होगी, वीडियो सही नहीं होगी, वो थंबनेल सही नहीं होगी, लेकिन आपकी वीडियोस में कुछ होना चाहिए, जान होना चाहिए, क्योंकि जब आपके वीडियोस में जान होगी तो आपका चैनल वो वीडियोस जो है ज़्यादा वायरल हो जाएगी, ज़्यादा वायरल होने की चांसेस हैं। तो थंबनेल जो है आप जैसा भी बनाएं, सादा बनाएं, क्या भी बनाएं, आपकी जो टाइटल है वो उस वीडियोस के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी टाइटल वीडियोस के मुताबिक नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मगरिब की नमाज़ें भी, अदानी भी हो जाएगी, तो नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
वाली मस्जिद है जो उसमें अजान हो चुकी है मगरिब की, तो अबे नमाज़ पढ़ना है। नमाज के बाद जो है आज कुछ ठंड ज़्यादा है तो इस वजह से रात के भी कुछ मनाजिर आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो है नमाज के लिए नमाज की तैयारी, तो मिलेंगे रात जो है इंशाल्लाह अशा नमाज के बाद। और इशा नमाज के बाद कुछ क्लासेस हैं यूट्यूब के हवाले से व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उनको ज्वाइन करके उनके बाद इंशाल्लाह यहाँ उससे पहले जो है व्लॉग बना दिया जाएगा। तो अभी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के आपसे जो है वो रात मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है रात का टाइम 8:30 होने वाले हैं, फोकस कर ले। आठ साढ़े अभी जो है गांव से बाहर आया, पानी भी सही है, मोबाइल की कैमरा से जो शो हो सके आपको दिखाएंगे। अभी जो है ठंड स्टार्ट हुई है और धुंध जो है कम ही है, आज धुंध कम ही है और ठंडी ठंडी हवाएं लगना स्टार्ट हुई। और बाहर टॉर्च भी लेके आया, अभी जो है दरख्त भी सो गए हैं। उसके बाद से फिर ये जी, तो आज जो बात करना था वो ये थी कि जो अगर आप YouTube का चैनल स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जो आपको क्या क्या करना होगा। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने से पहले तो आपको एक टॉपिक जो है वो चूज़ करना होगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं। अभी जो ये पड़ी हुई है किसी दीवार के सपोर्ट पे और उसके जो है उस पर जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी टॉपिक पे हम आएंगे कि अगर आप वही टॉपिक चूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं उसी टॉपिक पे आप ग्रो भी जल्दी कर सकते हैं। और एक बात और आपको डिपेंड करनी है कि वो रियल वीडियो हो, ओरिजिनल हो, जिसमें आपकी जो है वॉइस और फेस हो। अगर फेस नहीं तो वॉइस लाजमी हो, ये दोनों चीज़ों वाली वीडियो चैनल जो है जल्दी में ग्रो भी करते हैं और जल्दी में मोनेटाइजेशन भी हो जाते हैं। तो अभी तो रात के 8:30 से टाइम क्रॉस तक कर चुका है, तो अभी इसी टॉपिक में आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका जो है YouTube से इनकम आई है कि नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे कि YouTube का इनकम, क्योंकि मेरा तो चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइजेशन हो चुका है, तो उस हवाले से जो है इनकम के हवाले से भी हम बात करेंगे कि आई कि नहीं, और क्योंकि अभी तक जो अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो आज की जो कुछ बातें थी वो इसी तरह की थी, और यहीं तक के काफ़ी सारे लोग इसी के हवाले से YouTube के हवाले से पूछते हैं कि आप के इनकम आई है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी तक जो है मेरी इनकम नहीं आई है, इंशाल्लाह तमाम जल्द आ जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोनेटाइजेशन हो चुका है। और 2021 में ये सुनने में भी आ रहा है कि YouTube जो है अपनी पॉलिसियाँ चेंज करेगी, न्यू यूट्यूबर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो वॉच टाइम है वो भी ज़्यादा करेंगे और सब्सक्राइबर की जो लिमिट है वो भी ज़्यादा करेंगे। तो इसी हवाले से मैं यही सुजेशन और यही आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी मेहनत को जारी रखें और जितना हो सके, अभी तो कुछ ही टाइम रह चुकी है 2020 की एंड में, तो
इसके लिए जो है आप अपना मेहनत जारी रखें, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने चैनल के ग्रो के लिए वीडियोज ऐसी बनाएं जो रियल टॉपिक पे हो, क्योंकि अगर आप पुरानी या ओल्ड टॉपिक पे बनाओगे तो आपका जो है चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। मैं जो है आपको यही कहना चाहता हूँ। अभी जो मैं गांव में ही थोड़ा सा साइड पे निकल के आया हूँ और रात के मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये देखें शबनम कितनी पड़ी पड़ चुकी है, ये देखें इसी पे ही है, ये देखें ये देखें, नमी की वजह से मेरे हाथ में चिपक गया। अभी से ही जो है शबनम स्टार्ट हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। इसी के साथ मोहम्मद सलमान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में इसे याद करते रहना, सपोर्ट करते रहना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी है कमेंट कर देना जैसा व्लॉग आपको लगे इसी तरीके से। और कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्लॉग में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।